जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। और इससे पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम। जो ए ओ ह्यूम थे मित्रों, इनकी सहमति पर या इनकी पहल पर 1885 में कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आपने याद रखना है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। कहाँ पर हुआ मित्रों, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, व्योम चंद्र बनर्जी। जो व्योम चंद्र बनर्जी थे मित्रों, इनकी इनकी सहमति पर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आपने याद रखना है, व्योम चंद्र बनर्जी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आपने याद रखना है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों ने इस आंसर का अच्छे से कमेंट में आंसर बताना है। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास में सभी लोग जुड़ते रहे और क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सभी लोग आंसर देंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन काल में पारित किया गया। सही आंसर है लॉर्ड लिटन। किसके काल में, लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया था। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। पूना सार्वजनिक सभा किसकी की स्थापना किसके द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग शानदार तरीके से आंसर करेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रनाडे। जो महादेव गोविंद रनाडे थे मित्रों, इनके इनकी सहमति के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा घोषित की गई थी। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, यंग इंडिया के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यंग इंडिया के लेखक। सभी लोग जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देंगे, यंग इंडिया के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यंग इंडिया के लेखक है, यानी लाला लाजपत राय के द्वारा यंग इंडिया पुस्तक लिखी गई। आपने याद रखना है, यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, इल्वर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। इल्वर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। सभी लोग सही आंसर देंगे एकदम शानदार तरीके से और क्लास को सभी मित्रों में शेयर जरूर करेंगे। जो भी लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। इल्वर्ट विधेयक, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन थे मित्रों, इनके शासन काल में इल्वर्ट विधेयक पारित किया गया था। आपने याद रखना है।
आगे बात करेंगे, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग पेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेट 2022 की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अवतार स्टडी 7054 को। यहाँ पर हम पेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो सभी लोग क्लास को ना सभी मित्रों में शेयर करें। आगे बात करेंगे, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? ऑप्शन है आपके, उदारवादियों की पद से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार या उपयुक्त सभी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उग्र राष्ट्रीय के उदय का कारण था मित्रों, ये आपको जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं यानी सभी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी मित्रों कहते हैं उग्र राष्ट्रीय के आपके कारण थे, आपने याद रखना है, उग्र राष्ट्रीयता के कारण थे। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में किया गया मित्रों, आपको बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में मित्रों, लॉर्ड कर्जन, किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, आपने याद रखना है। राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग सही आंसर देंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी साधन, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी अधिकार कैसे थे? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी साधन इसमें मौजूद थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लाला, सॉरी बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक है मित्रों, इनके आधार पर दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। आगे बात करेंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है मित्रों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने मित्रों कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये कथन किसका है, किसने कहा था मित्रों? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे मित्रों, ये मित्रों अंग्रेजों की लाठियों से घायल हुए थे और इनकी वहां पे मृत्यु हो गई, तो इन्होंने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में कफन में कील बनकर रहेगा। आगे बात करेंगे, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 19 है,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल। जो लाला हरदयाल थे मित्रों, इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन में। मित्रों इनका जो वास्तविक विभाजन था वह आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए सरदार भगत सिंह। जो भगत सिंह थे मित्रों, ये इन्होंने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का कारण क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का कारण क्या था। केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव, या उपयुक्त सभी का कारण। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति का कारण था, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल व नरम दल के नेताओं का पुनः अधिवेशन हुआ था, यानी मेल हुआ था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, लखनऊ समझौता कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ, या कांग्रेस लीग समझौता भी इसको के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, और यहाँ पर कांग्रेस के गरम दल व नरम दल के नेता आपस में सम्मिलित हुए थे। आगे बात करेंगे, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा। लोकमान्य तिलक के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, रोलेट एक्ट के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका 1919 में रोलेट एक्ट आया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग की घटना थी मित्रों, ये घटित हुई थी पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में घटना घटित हुई थी, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी नियुक्त की, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, या उपयुक्त सभी कार्यक्रम। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी कारण थे। असहयोग आंदोलन के मित्रों ये सभी कारण थे। पहला तो आपका होगा सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग भी मित्रों इसमें सम्मिलित था। अतः राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित यानी बंद कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था या बंद कर दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में बंद कर दिया था, आपने याद रखना था। ये तो मित्रों आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 30% जो आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।